हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। बोगनविलिया एक बहुत ही खूबसूरत जो है बेल होती है। इसके खूबसूरत फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं जब ये अलग अलग शेड में हमें देखने को मिलते हैं। ये अक्सर किसी के घरों में हमें गेट के पास या फिर ऊपर छत पर ये हैंग की हुई बहुत अच्छी लगती है। तो बोगनविलिया जो है एक बेल होती है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास इसके 4 से 5 शेड हैं और 3-4 इसकी वैरायटीज़ हैं। और एक ये मस्टर्ड कलर जो है वन ऑफ द फेवरेट है मेरा। तो इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत ही मुश्किल से हुई है। जब मैंने इसको लिया था इस पर एक तो फ्लावर थे लेकिन उसके बाद कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। तो उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई किया। तो आज मैं शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी ट्रिक है जो यूज़ की है और उसके बाद जो है इस पर फ्लावरिंग मैंने पाई है। तो ये एक मस्टर्ड और एक वाइट कलर का जो है उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो अभी जो है दोनों देखिए फ्लावर से भरे हुए हैं। इसके पत्ते कम हैं और फ्लावर्स ज़्यादा हैं। अभी ये 1 साल ही पुराना है, सॉरी 6 मंथ पुराना है। मैंने इसको लास्ट समर में ही लिया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बोगनविलिया जो प्लांट है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और इसको फुल सनलाइट में रखा जाता है। लेकिन मेरे कुछ जो बोगनविलिया के प्लांट हैं शेड में ही पड़े थे, थोड़ी सी हल्की धूप आती थी फिर भी उस पर जो है अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो ये देखिए ये वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर का है। बीच में जैसे जैसे फ्लावर जो है पुराना होता जाएगा इस पर पिंक शेड बनना शुरू हो जाता है जो देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। इसकी छोटी छोटी टहनियों पर भी जो है फूल आए हुए हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसी की एक और वेराइटी है मेरे पास जिसमें पिंक शेड के फ्लावर्स आते हैं और उसमें भी थोड़ा सा वाइट हल्का सा शेड आता है। तो इसमें ढेरों आपको जो है इसकी वैरायटी मिल जाएगी अलग अलग शेड में। ये एक रेड कलर का है और ये वेरीगेटेड है। तो अब बात कर लेते हैं जो मैंने ट्रिक यूज़ की है। और ये है वो DAP जिसे बोलते हैं, जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। बहुत टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, लगभग 3 साल से ये मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने काफ़ी कुछ इस पर ट्राई किया था कि फ्लावर्स आएँ लेकिन आ नहीं रहे थे। तो 15 से 20 दिन पहले ही मैंने इस पर जो है इसका इस्तेमाल किया है और उसके बाद मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो इसका यूज़ कैसे करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने गुदाई करनी है, इस जगह पे भी आपने इसको ऐड करना है। अच्छे से गुदाई करें और सेंटर में बिल्कुल भी गुदाई नहीं करनी है। इससे जो है प्लांट की रूट गिर सकती है और आपका जो प्लांट है ख़राब हो सकता है। गुदाई करने के बाद इस पर थोड़ी सी करके भी लगा सकते हो, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होती है। मैंने इसको 3 से 4 महीने के बाद तो ये डिजॉल्व अच्छे से नहीं होती है। तो बेस्ट है कि आप पानी में ऐड करें गुदाई की। इसको स्प्रे भी कर सकते हो। तो इसको मैं सब्जियों में इस्तेमाल नहीं करती, खाली जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और